नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ई रिक्शा के वायरिंग में कंट्रोलर, मोटर और डीसी कन्वर्टर का कनेक्शन सही सही आप कैसे करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैंने एक नया चैनल चालू किया है, कुंदन कुमार ब्लॉग्स, जो हमारे इसी चैनल के नीचे आपको मिल जाएगा। मैं चाहूँगा दोस्तों, आप हमारे उस नए चैनल पर भी जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके वीडियो देख करके उसको लाइक करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको पता ही होगा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये कंट्रोलर है, यहाँ देखिए दोस्तों, ये मोटर है और ये डीसी कन्वर्टर है दोस्तों। इसका कनेक्शन, तीनों कनेक्शन आपको किस तरह से सही तरीके से करना है दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, वायरिंग में दो भाग होता है, एक पीछे का भाग और ये एक आगे का भाग होता है दोस्तों। पीछे के भाग में दोस्तों कंट्रोलर, मोटर, डीसी कन्वर्टर, ये सब दोस्तों लगा हुआ होता है। आज मैं आपको इसका वायरिंग का कनेक्शन करके आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से करना है और सही तरीका से सही से करें, जिससे आपको कोई भी तरह का दिक्कत ना होगा। मैं सारे कोड के बारे में सही तरह से आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। वीडियो को पूरी देखेंगे, स्किप बिल्कुल ना करेंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं बता दूँ, वायरिंग को कनेक्शन करने के लिए पहले दोस्तों ये पीली डिबी है, इसको आपको खोल लेना है, मतलब ये आपको ले लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसे खोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों, ये मैंने खोल लिया दोस्तों। आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें नट बोल्ट लगी हुई है, चलिए इसको आप खोल ले। इस तरीके से आपको दोस्तों इसे खोल लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने खोल लिया दोस्तों। सबसे पहले मैं ये बता दूं, देखिए दोस्तों, ये पीछे का वायरिंग है, इसमें देखिए दोस्तों, ये 48 वोल्ट का कनेक्शन, देखिए दोस्तों, ये बैटरी से आया है दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, इसका कनेक्शन पहले आपको कर लेना है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें रेड 48 वोल्ट कनेक्शन हुआ। यहाँ देखिए, ये कंट्रोलर में भी आपको ये मिल जाएगा, ये कंट्रोलर है दोस्तों। कंट्रोलर में भी देखिए, निगेटिव पॉजिटिव आपको 48 वोल्ट का कनेक्शन मिल रहा है दोस्तों। तो ये देखिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, देखिए लाल को लाल में मैंने डाल दिया दोस्तों। इस तरीके से आपको लगा लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरीके से कनेक्शन कर ले दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, ये निगेटिव है और ये वायरिंग का निगेटिव, ये कंट्रोलर का निगेटिव, ये वायरिंग का निगेटिव, इसको भी दोस्तों इस तरीके से आपको कर लेना है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने कर लिया है, इस तरीके से आपको करना है। देखा दोस्तों, ये वायरिंग क्या है, 12 वोल्ट 48 वोल्ट प्लस माइनस, ये आपको कंट्रोलर का देखिए 48 वोल्ट और माइनस। यहाँ देखिए, एक कनेक्शन मैंने कर दिया दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए ये मोटर है, देख रहे हैं दोस्तों, ये मोटर है। यहाँ देखिए दोस्तों, मोटर में आपको तीन कलर का तार दिख रहा होगा दोस्तों, ब्लू, हरा और पीला। ये दोस्तों, ये तीनों भी ये आपको पीली डीबी में लगता है दोस्तों। मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, इस तरीके से आपको लगाना है दोस्तों। यहाँ देखिए, पीली लग गया है दोस्तों। अब देखिए, कंट्रोलर में भी आपको, अब देख रहे हैं दोस्तों, ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर में भी आपको ये देखिए तीन कलर का, सेम कलर का आपको मिल रहा है दोस्तों, ब्लू, हरा और पीला, देख रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से आप ध्यान दें दोस्तों, ये वायरिंग का जो मोटर का जो है पीला देख रहे हैं दोस्तों, इस पीले में कंट्रोलर का जो पीला तार जो निकला है दोस्तों, उसको आपको इस तरह से लगाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीडियो पूरी देखेंगे दोस्तों, कोई तरह दिक्कत नहीं आएगी। आप आसानी से कंट्रोलर का, मोटर का, डीसी कन्वर्टर का आप आराम से कनेक्शन दोस्तों कर सकते हैं दोस्तों, जिससे गाड़ी आपको आसानी से चलेगी, कोई भी तरह दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, ये मैंने डाल दिया पीला में। अब देखिए दोस्तों, ये ब्लू तार आप देख रहे हैं, मोटर का ब्लू तार है ये, यहाँ देखिए मैंने लगा दिया। अब ये कंट्रोलर का से ब्लू तार है, उसको भी लगाएं, सेम कलर तार आपको मिला के दोस्तों लगा देना है। यहाँ देखिए, इस तरीके से आपको लगाना है दोस्तों, बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप अच्छी तरह से पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कभी कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये मोटर का आपका हरा तार दिख रहा होगा दोस्तों,
लग गया दोस्तों। ये कंट्रोलर का देखिए हरा तार दिख रहा है, उसको इस तरह से आपको लगा देना है दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों मोटर का तार और कंट्रोल में से तार आया है, ब्लू हरा पीला तीनों को मैंने जोड़ दिया दोस्तों। और एक बार ध्यान देंगे दोस्तों, ये सभी नट को अच्छी तरीके से फुल टाइट करेंगे, ये लूज कनेक्शन बिल्कुल ना रहे, इस तरह से आपको बड़ी अच्छी तरह से टीडिन से आठ के टीडिन से अच्छी तरह से फुल टाइट मार देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों आपका ये तैयार हो गया दोस्तों, और आपको आपके ऊपर पता होगा दोस्तों, देखिए ये मोटर में एक ये मोटर का देख रहे हैं दोस्तों, ये मोटर में ये सेंसर का एक कोड होता है दोस्तों, ये सेंसर का कोड आपको लगाना होगा और मोटर कनेक्शन आपका तैयार हो गया दोस्तों। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये कंट्रोलर का वायर में आपको एक मोटर का कनेक्शन का वायर देखिए दोस्तों आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों सेम कलर का तार देख लीजिए दोस्तों, सेम कलर का तार आपको देखिए इस तरह से देखिए, यहाँ देखिए ये पांच तार लगी हुई होती है, लाल लाल काला ब्लू हरा पीला, देखिए लाल काला पीला हरा ब्लू सेम कलर का मिलेगा दोस्तों। ये आपको सेंसर का कोड है दोस्तों, इसको इस तरह से आपको लगा देना। यहाँ देखिए दोस्तों ये भी सेम सेम होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ देखिए देख रहे होंगे ये काला है और ये लाल है, इसी के दशा में यहाँ देखिए दोस्तों ये काला है लाल है, इसी तरह से इधर भी देखिए पीला हरा ब्लू ये सेम कलर का तार आपको इस तरह से लगाना है दोस्तों। आपने देखा दोस्तों आपका ये मोटर का कनेक्शन हो गया है दोस्तों। चलिए मैं बाकी कंट्रोलर का कनेक्शन आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों अब यहाँ तार देख रहे होंगे दोस्तों, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ देखिए इसका वायरिंग में आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये तीन तार का कोड आप देख रहे होंगे दोस्तों, आप कंट्रोलर के में भी आप देखिए इसमें तीन तार का कोड कौन सा है। देखिए दोस्तों इसमें एक ही तार आपको मिलेगा तीन तार का, ये देखिए ये थ्रोटल का है दोस्तों, इसको आपको आसानी से इस तरह से लगा देना। और देखिए दोस्तों आपको कहीं तीन कोड का बिल्कुल तार नहीं मिलेगा दोस्तों, इसलिए ये आसान है, ये थ्रोटल का है, आपने इसे लगा दिया दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों ये आपको दो तार का मिल रहा होगा, देखिए ये रिवर्स के लिए है दोस्तों, जब गाड़ी हम रिवर्स करते हैं इससे करंट आता है दोस्तों। यहाँ देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये दो तार आप देख रहे होंगे दोस्तों, यही तार आपका रिवर्स का है, इसको आपको रिवर्स के इस कोड में देखिए लगा देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये दो लग गया है दोस्तों, अब मैं आपको दिखा दूँ, अब देखिए आप देखिए दोस्तों यहाँ तीन कोड का जो आपका तार वायरिंग में मिल रहा होगा दोस्तों, इसमें तो तीन का एक मिला, एक टोटल में लग गया दोस्तों, ये वायरिंग होगा। ये देखिए दोस्तों ये आपको डीसी कन्वर्टर के लिए है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों, देखिए डीसी कन्वर्टर का है, 28 वोल्ट जाता है, 12 वोल्ट का सप्लाई इसमें निकलता है दोस्तों। देखा दोस्तों ये डीसी कन्वर्टर का भी कनेक्शन हो गया दोस्तों। चलिए अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ये ब्रेक स्विच का है दोस्तों, देखिए इस तरीके से ब्रेक स्विच का कनेक्शन इसमें हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब मैं आपको ये बता दूं, यहाँ देखिए कंट्रोल का तार देख रहे होंगे दोस्तों, ये देखिए आपको देख रहे होंगे इसमें सबसे मोटा तार आपको ये रेड कलर का दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें 48 वोल्ट का सप्लाई आता है दोस्तों। जब हम लोग चाबी को ऑन करते हैं रिक्शा का तो 48 वोल्ट कनेक्शन इसमें देना होता है दोस्तों। मैं बता दूँ दोस्तों, देखिए वायरिंग में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि देखिए डीसी कन्वर्टर में देखिए 48 वोल्ट का सप्लाई इसमें आता है दोस्तों, चाबी ऑन करने के बाद ये भी सेम कलर देख रहे होंगे, चाबी जब ऑन करते हैं इसमें 48 वोल्ट सप्लाई आता है दोस्तों, और ये 48 वोल्ट सप्लाई इस कंट्रोलर के इस तार में दोस्तों इस तरह से लग जाता है दोस्तों। इसे उनको लगने के बाद कंट्रोलर में आपको 48 वोल्ट काम करना चालू करता है दोस्तों। देखा आपने दोस्तों, अब मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों एक सिंगल तार आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ देखिए ये वाइट कलर का तार आपको दिखा होगा, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया दोस्तों ये मीटर का स्पीडोमीटर का वायर है दोस्तों, ये कनेक्शन इसमें कर देने से गाड़ी आपका कितनी स्पीड में चल रही है वो स्पीड को दिखाता है दोस्तों, इसी में ये काम करता है स्पीडोमीटर का वायर से कहते हैं दोस्तों। ये कनेक्शन नहीं करिएगा तो गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है आपको नहीं दिखाया दोस्तों। ये आपका देखिए हो गया दोस्तों, अब ये सिंगल तार दोस्तों आप देख रहे होंगे, और यहाँ देखिए ये भी वायरिंग में आपको सिंगल तार दिख रहा है दोस्तों, ये आपको ब्रेक के लिए है दोस्तों। जब हम ब्रेक मारते हैं इसके द्वारा, ब्रेक जैसे ही मारते हैं इस तार के द्वारा ऑटोमेटिक कंट्रोलर मोटर का लाइन को कट कर देता है और लाइन कट हो जाता है दोस्तों। जैसे ब्रेक छोड़ते हैं इससे फिर लाइन चालू हो जाता है दोस्तों, उसके लिए ये है। देखा दोस्तों ये तो दो तार जो आप देख रहे हैं दोस्तों, दो कोड, ये है रिमोट के लिए दोस्तों। अगर इसका कनेक्शन आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका रिमोट सिस्टम है तो आप इसे कर सकते हैं, इसलिए कोई जरूरी नहीं इसको करना, ये रिमोट के लिए। देखा दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों आपका बाकी सारा कंट्रोल का वायर का कनेक्शन हो गया, देखिए देखिए दोस्तों पीला ब्लू हरा काला लाल ये कम्प्लीट हो गया दोस्तों। यहाँ देखिए सभी हो गया, ये दो छोड़ करके अगर आप में सिस्टम है
तो आप इसे कर सकते हैं। अगर इसे नहीं भी करेंगे तो भी आपको गाड़ी चलाने में कोई भी तरह का दिक्कत दोस्तों नहीं आएगी। दोस्तों आपने देखा दोस्तों ये कितना आसान है, आप आसानी से कंट्रोलर, मोटर और डीसी कन्वर्टर ये तीनों का कनेक्शन आप कितना आसानी से कर दिए हैं। दोस्तों आपने देखा ये दोनों दोस्तों 48 वोल्ट का सप्लाई है, प्लस 48 वोल्ट माइनस, यहाँ देखिए पीला ब्लू हरा, ये तीनों जितना भी नट इसको अच्छी तरह से आप फुल टाइट मारेंगे दोस्तों। मैं तो इसे ढीला छोड़ दिया हूँ, लेकिन आप ढीला बिल्कुल ना छोड़े, ये मैंने आपको बताने के लिए ढीला कि आपको 3 दिन से इसको फुल टाइट करना है दोस्तों। और आपने देखा दोस्तों ये आपका रिवर्स के लिए हो गया दोस्तों, ये एक्सीलेटर आगे के लिए हो गया दोस्तों, आगे जब बढ़ाते उसके लिए काम करता है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों ये 48 वोल्ट जब हम लोग इग्निशन चाबी ऑन करते हैं तो इसमें 48 वोल्ट आता है, कंट्रोल में जाता है दोस्तों। और ये स्पीडोमीटर के तार है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों सिंगल तार आप देख रहे हैं, ये ब्रेक के लिए जब ब्रेक हम दाबते हैं तो कंट्रोल मोटर का लाइन को ये कट करता है दोस्तों। और ये सेंसर का दोस्तों मैंने आपको बताया, ये 5 तार का देखिए और देख रहे हैं दोस्तों, इसको भी सेम मिला के लगाएंगे दोस्तों। देखा दोस्तों ये कितना आसान है, आप आसानी से आप जो है मोटर कंट्रोलर डीसी का आप आराम से कनेक्शन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कंट्रोलर में और मोटर में और डीसी कन्वर्टर का वायरिंग करने में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। वीडियो को पूरी आप अच्छी देखें, मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और इसको शेयर करने पर जिन बंधुओं को भाई को दिक्कत होता है वो देखने के बाद आसानी से इसी का कनेक्शन कर सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे फिर मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।